कह रहे हैं कि मत जुड़िए, ये जिंदगी आपका बर्बाद कर दे, आपके दोस्त रिश्तेदार उनका भी जिंदगी बर्बाद कर देगा, दीवार खड़ी कर देगा बीच में। काले काले जूते और सूट बूट पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये बांकाए वाला चीज होता है, लोग गांव तीन के है यार आज के नाइस है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मेरा तबीयत दो तीन दिन से ख़राब था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने गोदाम पे, कुछ काम है, उसके बाद मैं रही मेरी गाड़ी, अब मैं जाऊँगा गोदाम पे, गोदाम पे कुछ काम हो रहा है। तो गाइस हम आए थे अपने गोदाम पे और इसका काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो गया, सारे लेबर मजदूर आ चुके हैं, तो इसका काम अभी स्टार्ट होगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे झिर्री कट गया है, प्लम्बर वाले ने झिर्री काट दिया है, प्लम्बर वाले का काम पूरा हो गया है, अब कल से इसमें पाइप वाइप पड़ेगा, इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं इस समय हूँ अपने गोदाम पे और देख सकते हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था तो अभी जाऊँगा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने ग्राउंड पे, पुराने वाले जहाँ पे हम लोग दौड़ते थे पहले, अभी हम आपको दिखाएंगे अपना ग्राउंड, 400 मीटर का ट्रैक। मैं जाने वाला था अपने ग्राउंड पे तो अब नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा अपने चौराहे पे। हम आए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अपने ही चौराहे पे और यहाँ पे आए हैं टिकिया खाने के लिए और फुल्की, और उसके बाद पकौड़ी पैक करवा के जाना हमको अपने गोदाम पे। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे भैया लोग के साथ घूमने आए हैं, शशि भाई के घर के सामने जो रेस्टोरेंट है वहीं पर आए हैं, चाट फुल्की और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो गाइस आज पकौड़ी का पार्टी चल रहा है और हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं मेरे गोदाम पे और हम लोग दो साल मिस हो गए हैं, जो आ नहीं पाए हैं विषम परिस्थितियों के कारण, उनके उनके याद में हम लोग उनके हिस्से का भी पकौड़ी खा रहे हैं। देखिए हम लोग एक किलो पकौड़ी लाए हैं आज खरीद करके बाजार से, बाकी सबका हिस्सा हमारे गौतम भाई खाएंगे आज। गौतम भाई कैसा लग रहा है आपको पकौड़ी देख करके? पकौड़ी देख के बस मुँह में पानी आ रहा है कि कब जल्दी से जल्दी खा लिया जाए। दिनेश भाई ये चटनी जो है लग रहा है जो आप ही लोग देख लीजिए। बताइए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने लायक है कि नहीं? नहीं भाई, बहुत इसके अच्छा लिए आप कह रहे हैं कि मत जुड़िए, ये जिंदगी आपका बर्बाद कर दे, आपके दोस्त रिश्तेदार उनका भी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपसे उनका रिलेशन छीन सकता है, दीवार खड़ी कर देगा बीच में, क्योंकि आपसे फंसने वाले बस आपके वही भोले भाले दोस्त होंगे और आपके परिवार के सदस्य ही होंगे, भाई कोई तो आपकी बात सुनेगा नहीं जो आपके कहने पे कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देगा। और हमारे दिनेश भाई आज फंस चुके थे, काले काले जूते और सूट बूट पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये बांकाए वाला चीज होता है, लोग गांव के लोग होते हैं, देखते हैं बोलते हैं, देख जाते हैं अपने मोहल्ले के कोई लड़का होता है, अरे यार कौन सा जॉब पा गया, बहुत एटीट्यूड लग रहा है, मैं भी करूंगा, दिखाने वाला फंस जाते हैं लोग, लेकिन आप लोग मत करिएगा, ठीक है? एकदम फंसाने वाला काम है और फंस जाएंगे तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद भी सतर्क रहिए और अपने जानने वालों को भी सतर्क रहिए, ऐसे फ्रॉडों से एकदम दूर रहिए। तो गाइस मैं इस समय हूँ अपने गोदाम के छत पे और देख सकते हैं मेरे गांव का नज़ारा, मेरे गांव के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं और रात भी हो चुका है, अभी हम जाएंगे घर। तो गाइस आज बहुत मज़ा आया अपने दोस्तों के साथ और काफ़ी मैं खुश हो गया, क्योंकि आज मेरा मन बहुत सुबह से ही मैं उदास था, तो इसलिए मैं खुश हो गया क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, गुड नाइट।